और बड़ी खबर इस वक्त बता दें, गुटखा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। राज्य सरकार के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट है, हाईकोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया है। तो गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध के मामले को लेकर सुनवाई थी, फरियादी फाउंडेशन ने कोर्ट में दायर की थी जनहित याचिका, जिसके बाद आज सुनवाई जब हुई तो राज्य सरकार के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नजर आया और इस मामले को निष्पादित कर दिया। और ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी अंकुर से। अंकुर, देखिए, सरकार के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट और मामला निष्पादित कर दिया क्या? बिल्कुल आते, मैं आपको बता दूं कि फरियाद फाउंडेशन द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई है और जो खंडपीठ थी वो थी जो झारखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है डॉक्टर रवि रंजन और सुजीत नारायण की खंडपीठ में हुई थी, जिसके बाद सरकार से जवाब मांगा गया था कि गुटखा प्रतिबंध मामले अभी तक क्या हुआ है। तो आज जो है सरकार ने जवाब दिया है, जिससे जो कोर्ट है वो संतुष्ट दिखी है और उसके बाद जो मामले है जो ये गुटखा बैन पे मामले थे उस पर निष्पादित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो संतुष्ट दिखी कोर्ट सरकार के इस जो जवाब मांगा गया था, तो अब मामला जो है खत्म हो गया है। और ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि अगर फिर से अगर गुटखा जो है बाजारों में मिलेगी तो जो याचिकाकर्ता है वो फिर से जो है दायर कर सकते हैं याचिका। तो कहीं ना कहीं बात करें तो अभी मामला जो है फिलहाल गुटखा बैन मामले पर कोर्ट से समाप्त हो गया, निष्पादित हो गया। जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका अंकुर तमाम जानकारी के लिए।